All of them are individual power women in their individual fields, from doctors to artists to authors to filmmakers. और मैं मानती हूँ कि सिर्फ यहाँ पावर वुमेन नहीं है, भारत में हर एक महिला पावर वुमेन है. और ककून इनफर्टिलिटी ने ये मुद्दा उठाया है, मैं उनको अभिनंदन देना चाहती हूँ. एंड आई डेफिनेटली वॉन्ट टू अपलॉड एवरी वन फॉर बींग सो स्पॉटिंग टू वॉक द रैम. तस्नीम मर्चेंट के कलेक्शन को अभी शोकेस किया है. आई थिंक शी इज़ फैंटास्टिक, शी हैज़ डन अ ग्रेट जॉब. ऑल्सो द फैक्ट दैट वो आर्टिशंस को प्रमोट करती हैं. और ये कॉटन का एक ऑप्शन है जो जिससे उसने उन्होंने कपड़े बनाए हैं, ये बनाए हैं. और इट्स बहुत फैशनेबल भी है, एट द सेम टाइम कंजर्वेटिव भी है. सो आई रियली लाइक द फैक्ट दैट आई एम वॉकिंग फॉर तस्नीम मर्चेंट. हर एक शो के साथ थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है, जैसे एक एक पिक्चर के बाद बढ़ता है तो थोड़ा थोड़ा बढ़ा है. एंड नए डिज़ाइनर्स के लिए हमें ही सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज उन तभी वो आगे आएंगे एंड तभी उनके अच्छे कपड़े हमें दिखेंगे. एंड आई एम रियली ग्लैड आई हैव वन मोर डिज़ाइनर आई कैन वेयर. बहुत मज़ा आया. आई थिंक ये पहली बार नहीं है मैं मंदिरा के लिए वॉक कर रही हूँ. बहुत बार मैंने वॉक किया है मंदिरा के लिए. एंड आई लव इट, आई एंजॉय इट, आई लव बीइंग ऑन रैम. एंड वाइट इज़ परफेक्ट ये सीजन के लिए बहुत ही परफेक्ट. एंड आई एम रियली ग्लैड दैट आई एम वेयरिंग वाइट, बिकॉज वाइट इज़ माई फेवरेट. आज फिलहाल चांदी है, सोना मैं हूँ. बट इट वॉज वेरी ब्लिंग, वेरी ग्लैमरस, बहुत ही खूबसूरत. एंड आई थिंक मैं पीछे से बैक स्टेज से मॉडल्स को भी देख रही थी जब वो चल रहे थे. और यू नो द आउटफिट्स वर लुकिंग सो लवली. एंड ये एक ऐसा कलेक्शन है जो कि हर एवरी यंग गर्ल वुड वॉन्ट अ पीस फ्रॉम इट इन हर कलेक्शन.